सिवनी की शराब दुकान में दो गार्ड की हत्या के बाद गांव के लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि 15 दिनों के बाद भी इस घटना का कोई खुलासा नहीं हुआ है और सीसीटीवी में भी घटना कैद हुई थी। हम स्थानीय लोगों से बात करेंगे, जिस तरह से पूरी घटना हुई है आपके सिवनी गांव में, दो गार्ड की हत्या हुई है, किस तरह से पूरी जांच को आप देखते हैं, पुलिस अभी जो जांच कर रही है। सिवनी में जो घटना हुई है उस पर सघन और कड़ी से कड़ी जाँच होनी चाहिए। ये हमारे गांव की दुर्भाग्य है कि अभी ये चुनाव के समय आ गया और पुलिस जांच में जो शिथिलता आ गई है। मेरा ये विचार है कि कड़ी से कड़ी जांच हो और अपराधियों को जल्द से जल्द सलाखे के अंदर भेजी जाए, इस पर तत्परता की जानी चाहिए, कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आप क्या सोचते हैं, जिस तरह से अभी तक के 15 दिन का वक्त बीता है पुलिस की जांच को लेकर के, और जो सीसीटीवी है वो कहीं ना कहीं उसको देख करके किसी का भी दिल दहल सकता है, क्या मानते हैं? मेरा मानना है कि आज के स्तंभ जो है पुलिस ही जनता के सर्वोपरि रक्षक है, और उस कातिल का अगर नहीं पकड़ाता है तो जनता में एक जन आक्रोश और अविश्वास फैल जाता है कि पुलिस भी उस कातिल को नहीं पकड़ पा रही है। तो पुलिस को अपने स्तर के अलावा अन्य और जो उच्च स्तर की जांच है उनका सहयोग लेना चाहिए और उस कातिल को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि जनता को उस पुलिस विभाग के प्रति विश्वसनीयता बनाई रखी जा सके। आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटना को, जिस तरह से ये सीसीटीवी वायरल हुआ है, घटना को सभी ने देखा है, क्या सोचते हैं? 2 सेकंड का वीडियो फुटेज को देखकर पुलिस वाले लोग पकड़ लेते हैं, यहाँ तो 15 सेकंड का वीडियो फुटेज है उसको भी पकड़ नहीं पा रहे हैं। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है 15 दिन से? मेरा कहना वही है कि पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द उसको पकड़े और जल्द से जल्द अंदर करे उसको। 15 सेकंड का वीडियो है उसका, एक भी नहीं, 3-3 फुटेज है, उसके बाद भी पुलिस पीछे है। हमारे साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं राठौर जी, जिस तरह से स्थिति ये पूरी घटना बनी उसके बाद से आप यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि क्या मानते हैं, और पुलिस जिस तरह से जांच कर रही, 15 दिन का वक्त बीत गया है, क्या करना चाहिए पुलिस? हमारे ग्राम पंचायत सिवनी के शराब दुकान में 2 नौजवान का निर्मम हत्या किया गया है, जिसका सीसीटीवी में कैद था, वो फुटेज वायरल भी हो चुका है और ये 15 दिन हो गया है और अभी तक किसी प्रकार का वहाँ जो आरोपी है वहाँ तक पहुँच नहीं पाया है। पुलिस प्रशासन से हमारा मांग है गांव की तरफ से कि उस जो अपराधी जो किए हैं, निर्मम हत्या किए हैं, जो हमारे गांव इस प्रकार से जो घटना घटी है वो पहली बार घटी है, और इसका गांव की ओर से हम लोग की मांग है कि इसको जल्द से जल्द और उच्च स्तरीय टीम बना करके इसको जांच करे, ताकि हमारे गांव में एक भय व्याप्त है कि 15 दिन के बीच अंदर भी एक भी किसी प्रकार का आरोपी जो है अभी तक सलाखों के पीछे नहीं जा चुका है और अपने आप को यहां भयभीत महसूस कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं पूरी घटना को लेकर के, क्योंकि एक बड़ी घटना है सिवनी में हुई है? हाँ, क्या है, जो भी घटना हुआ है उसके लिए तो मतलब उसको तो पकड़ना जाना चाहिए। क्या है कि पूरा कैमरे में मतलब आया हुआ है, तो पुलिस प्रशासन को इसके मतलब जल्द से जल्द पकड़ाना चाहिए। हमारे साथ और भी स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप स्थानीय व्यक्ति हैं, सिवनी में एक बड़ी घटना हुई है, किस तरह से मानते हैं पुलिस को क्या करना चाहिए इस घटना के बारे से? तो पुलिस को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, जो उससे बड़े उच्च अधिकारी है उसको ध्यान देना चाहिए और जो आरोपी है उसको जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए। लगातार आप काफ़ी समय से सिवनी में हैं, इस तरह की घटना पहली बार सिवनी में हुई है जैसा कि ग्रामीण बता रहे हैं, लोग जो हैं वो भयभीत हैं बोल रहे हैं, तो पुलिस को जो टीम बनाई गई है उसमें क्या और वृद्धि करनी चाहिए, बड़ी टीम बनानी चाहिए? हाँ, ये ज़रूरी है कि यहाँ जो घटना घटी है, ऐसी घटना हमारे यहाँ सिवनी में नहीं हुई थी। यदि इस पर हमारी स्थानीय पुलिस प्रशासन से को उच्च स्तरीय उच्च अधिकारियों से सहयोग लेकर के इसकी जांच करनी चाहिए, और जब तक के जांच नहीं होगा गांव में दहशत का माहौल बना रहेगा और इसका निराकरण जब ही होगा तभी जा कर के लोगों में शांति स्थापित हो पाएगी और जनता का विश्वास पुलिस विभाग के ऊपर कायम हो पाएगा।
15 दिनों की जो जांच है पुलिस की, उससे कितना संतुष्ट हैं यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण हैं? 15 दिनों की जांच में तो कुछ भी नहीं मिला है, सीसीटीवी फुटेज के भी है इसके बावजूद भी। और उसका कारण है कि बीच में अभी चुनाव का माहौल आया, इस पर सभी अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगी, तो उस पर मैं नहीं जाना चाहता। परंतु अब पुलिस प्रशासन से हमारा निवेदन है, अनुरोध है कि वे जल्द से जल्द उच्च अधिकारियों के सहयोग से इस प्रकरण का निराकरण करें और आरोपियों को पकड़ करके इस सलाख के अंदर भेजें। ये थे हमारे साथ सिवनी गांव की स्थानीय ग्रामीण, जिनका कहना है कि पुलिस को इस जो घटना है उसकी तफ्तीश को में तेज़ी लानी चाहिए और जो आरोपी है उन्हें जल्द सलाखों में भेजने की आवश्यकता है। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।